हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ क्रिप्टो इंसाइडर टीएचआर पे। दोस्तों, फाइनली जाके 2022 में हमें देखने को मिल सकता है एक नया ऑल्ट सीजन। जी हाँ, यहाँ पे हम 2021 में नहीं है, यानी कि 2021 जनवरी का मंथ ये नहीं है, ये है 2022 जनवरी का मंथ। तो यहाँ पे मार्केट पिछले साल के कंपैरिजन में ऑलरेडी काफी ऊपर है। मेरे पीछे जो आप बैकग्राउंड में देख रहे हो, ये चाहे बिटकॉइन हो चाहे बाकी के ऑल्ट कॉइन्स हो, ये उनका रिटर्न है ठीक एक साल पहले के कंपैरिजन में। तो यानी कि मार्केट जहां पे पिछले साल था वहां से काफी ऊपर अभी है। मैं पिछले कई दिनों से आप लोगों को बार बार बता रहा हूं कि यहां पे एक ऑल्ट सीजन हमें देखने को मिल सकता है, मिनी ऑल्ट सीजन। तो क्या वो हमें कंफर्म हो चुका है? तो उसकी बात मैं डेली टीए के वीडियोस में आपको करता रहता हूं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, सो दैट आप डेली टीए वीडियोस में जो अपडेट्स आते हैं उनको आप मिस ना करो। तो दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में जो कि स्पेशली ऑल्ट कॉइन सीरीज लेके आया हूं मैं इस जनवरी मंथ 2022 का, तो यहां पे मैं कुछ ऑल्ट कॉइन्स में आप लोगों को सजेस्ट करने वाला हूं अपने एनालिसिस के बेसिस पे। आपको मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप अपना एनालिसिस उसके ऊपर जरूर कर सकते हो, आप फ्री हो, और अपना जो रिस्क और रिवार्ड है उसको मेंटेन करते हुए ही इन्वेस्टमेंट प्लान करना। अगर आप मेरे कॉल के बेसिस पे ट्रेडिंग करते हो तो जरूर आपको टेक्निकल एनालिसिस की इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हो तो जरूर academy.cryptoinsider.ta.com को विजिट कर सकते हो। सेकंड बैच का एनरोलमेंट प्रोसेस ऑलरेडी ऑनगोइंग है। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती है तो प्लीज आप लोग इन्वेस्टमेंट कीजिए, ना कि ट्रेड कीजिए। तो दोस्तों, आज इस सीरीज में सबसे पहला ऑल्टकॉइन लेके आया हूं मैं, जो कि हमने प्रीवियस ईयर देखा था कि बहुत सारे लिस्ट ऑफ ऑल्टकॉइन मैंने आपको बताए थे, बहुत सारे इस कम्युनिटी में ऑल्टकॉइन सजेस्ट किए थे, बहुतों ने अपने टारगेट रीच किए, कहीं ने अपने टारगेट एक्सीड किए, लेकिन मेजोरिटी जो ऑल्टकॉइन है वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किए, एंड कंटिन्यूसली जो है हमारा चाहे बिटकॉइन हो चाहे ऑल्टकॉइन हो उसी रेंज में बना रह गया पूरे साल। तो यहां पे जब ये अपॉर्चुनिटी दिख रही है, क्यों दिख रही है आपको अगर पता नहीं है तो जरूर आप डेली टीए वीडियोस देखो, क्योंकि वहां पे मैं टेक्निकल एनालिसिस डिटेल में बात करता हूं डेली बेसिस पे कि क्यों ऑल्टकॉइंस में यहां पे हमें पॉसिबिलिटीज मिल सकता है। तो उसकी बात इस वीडियो में नहीं करूंगा। आज है इस सीरीज का पहला वीडियो, तो मैं बात करूंगा सीधा एक ऑल्ट कॉइन की जो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, प्रोजेक्ट वाइज भी बहुत अच्छा है। तो सीधा हम चलेंगे चार्ट पे, बात करेंगे उस ऑल्ट कॉइन की। तो वो ऑल्ट कॉइन कौन सा है जो आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है आने वाले डेज में, उसकी बात करने के लिए सीधा हम चलेंगे क्वाइन गीको पे, एंड मैं लेके चलूंगा क्वाइन का नाम आपको रिवील करूंगा, वो है FTX। अगर आपने आज का टीए वीडियो देखा होगा तो आपको ये ऑलरेडी पता होगा। बाकी मैंने आपको सुबह कहा था कि मैं आज वीडियो सीरीज जब स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले ये वन ऑफ द पोटेंशियल ऑल्टकॉइन होगा, क्यों होगा उसकी बात मैं जल्दी से करूंगा। ये वन ऑफ द एक्सचेंज टोकन है, पहली बात, ये सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज टोकन है, FTX टोकन है, जो कि FTX एक्सचेंज का टोकन है। आप चाहो तो इनका वेबसाइट FTX.com पे जाके इनके बारे में पता कर सकते हो। आप जब FTX.com पे जाओगे तो आपको यहां पे सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी कि ये कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आप देखोगे तो ये मार्केट में फ्यूचर हो, स्पॉट हो, या फिर लिवरेज हो, हर टाइप के सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, OTC प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर रहे हैं। आप ज्यादा डिटेल के लिए मार्केट पे क्लिक करोगे, यहां पे आप देखोगे फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट यहां पे अवेलेबल है, यहां पे आप स्पॉट के आप देखोगे तो स्पॉट के बहुत सारे पेयर्स अवेलेबल है, स्टॉक्स में आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो यूजिंग FTX एक्सचेंज। तो ये एक्सचेंज वन ऑफ द एक्सचेंज उभर के आया है पिछले कुछ सालों में, जो कि अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस दे रहा है, चाहे स्पॉट का मार्केट हो चाहे बाकी का मार्केट हो। मैंने पर्सनली यूज करना शुरू कर दिया है, तो ये काफी अच्छा प्लेटफॉर्म होने के साथ साथ अच्छी सर्विसेज भी दे रहा है। कह सकते हो कि बाइनेंस का कॉम्पिटिटर कहीं ना कहीं उभरता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या ये FTX टोकन भी इसका धूम मचा सकता है, उसी की बात होगी। लेकिन उससे पहले लिवरेज सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करता है, एंड आप देखोगे बाकी के इसमें जो ऑप्शंस है, चाहे प्रिडिक्शंस के बेसिस पे, वॉलेटिलिटी के बेसिस पे आप अगर कुछ करना चाहते हो तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं इनके मार्केट पे। और ऑब्वियसली ये इतना नया एक्सचेंज नहीं है, है तो ये काफी पुराना, कंपैरेटिवली अगर देखोगे बाइनेंस के कंपैरिजन में तो जरूर नया है, लेकिन इसने जो सर्विसेज देना शुरू किया, जिस हिसाब से इसने मेंटेन किया स्ट्रक्चर, चार्ट एनालिसिस पे भी मैं बात करूंगा, तो वो सब काफी बुलिश हो जाता है। कुछ फंडामेंटल्स बता देता हूं, ये टोकन अभी $42 के आसपास रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए वो डेफिनेटली मैं चार्ट पे ले जाके बताऊंगा, लेकिन सर्कुलेटिंग सप्लाई ऑलमोस्ट उतना ही है जो करंट सर्कुलेशन सप्लाई है, वो आप बाइनेंस के कंपैरिजन में, क्योंकि बाइनेंस एक्सचेंज के कंपैरिजन में जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहां पे देखोगे ऑलमोस्ट उससे लेस सर्कुलेशन सप्लाई है, लेकिन टोटल सप्लाई जो है मैक्सिमम सप्लाई है, क्योंकि बाइनेंस पे अभी ऑलरेडी बर्निंग का कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो इससे एग्जैक्ट कंपैरिजन नहीं हो सकता। और बाइनेंस पे जितने भी क्वाइन है वो ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है, बट FTX का जो टोटल मार्केट सप्लाई है वो कई गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू बाइनेंस, तो यहां पे ये इसके कहीं ना कहीं बाइनेंस के कंपैरिजन में ये इसके पास एक निगेटिव पॉइंट है। लेकिन जिस सर्कुलेशन सप्लाई में ये है और जिस तरीके से इसकी अडॉप्शन हो रही है, ये प्रोजेक्ट काफी अच्छा दिख रहा है लॉन्ग टर्म में। यहां पे मैं बात कर रहा हूं लॉन्ग टर्म में, ऑब्वियसली यहां पे एंट्रीज की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं इस मिनी ऑल्ट सीजन के बारे में, जो कि मैं एक्सपेक्ट करता हूं अगले 4 से 8 हफ्ते तक चल सकता है, यानी कि जनवरी से फरवरी मंथ तक चलेगा। अगर इससे ऊपर एक्सटेंड होता है तो उसके टारगेट्स क्या होंगे, फर्दर क्या
पॉसिबिलिटीज होंगी मार्केट में, वो सब मैं आपको अलग से वीडियोस बना के बताऊंगा। ये मार्केट ऑलरेडी बुल रन के बीच में चल रहे हैं, हम बुल रन के मिड से भी कह सकते हो ऊपर के लेवल पे चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्री के हिसाब से बुल रन एंड हो जाना चाहिए था, बट यहाँ पे बुल रन हो गया है एक्सटेंड। तो हमें कुछ चीजों की सावधानी रखनी है, वो चाहे एंट्री हो चाहे वो एग्जिट हो, इसलिए हमें मंथ वाइज मंथ टारगेट फिक्स करके ही चलना होगा इस बुल रन में अब यहां से, क्योंकि ये 2021 का जनवरी मंथ नहीं है जहां पे आपने ले लिया और 6 महीने वेट करोगे तो बढ़ता हुआ नजर आएगा, ऐसा नहीं है। यहां पे पॉसिबिलिटीज हो सकता है, मार्केट यहां से बड़ी रैली दिखाए, हमें हो सकता है, हम बात कर रहे हैं यहां पे मिनी ऑल्ट सीजन की, हो सकता है हमें मेजर ऑल्ट सीजन देखने को मिल जाए, हो सकता है यहां से 3-4 महीने लगातार ऑल्ट कॉइन परफॉर्म करते हुए दिख जाए। लेकिन फिलहाल जो डोमिनेंस चार्ट बताता है, जो इथेरियम का बीटीसी चार्ट बताता है एंड जो बिटकॉइन बताता है, उसके बेस पे मैं अभी बता रहा हूं आपको कि ये ऑल्ट सीजन जो है मिनी ऑल्ट सीजन के हिसाब से आप प्लान करो, और इसे जो है एंट्रीज और एग्जिट आप अगले 1 से 2 महीने के हिसाब से प्लान करो, हो सकता है 1-2 हफ्ते आगे पीछे हो जाए। लेकिन हम जब यहां पे एंट्रीज की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो मैं जरूर आपको एग्जिट टारगेट भी बताऊंगा, एंट्री प्राइस रेंज भी बताऊंगा जहां पे आप कंसीडर कर सकते हो। अगर मैं ज्यादा बुलिश रहूंगा तो मैं जरूर आपको एक रेंज दूंगा, अगर मैं थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म में बियरिश रहूंगा तो मैं जरूर आपको एक रेंज बताऊंगा जहां पे आपको बॉटम लेवल भी रीच होता हुआ दिख सकता है। तो इन सब की बात हम करेंगे चार्ट एनालिसिस पे। टोटल सप्लाई सर्कुलेशन सप्लाई हमने देख लिया, एंड इसके अगर डिटेल्स आप पढ़ना चाहते हो तो इनके वेबसाइट्स विजिट कर सकते हो, इनका जो सोशल मीडिया का वेबसाइट है उनको भी आप गो थ्रू कर सकते हो, उससे भी आपको आइडिया मिल जाएगा कि यहां पे इनका एडॉप्शन कैसे क्या मिल रहा है। चार्ट के ऊपर जाएंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं सोशल प्लेटफॉर्म क्या कहता है। सोशल प्लेटफॉर्म आप देखोगे जनवरी 2021 में मुश्किल से 36,000 जो थे इनके फॉलोअर्स थे, बट आज के डेट में वो बढ़ के मोर देन 3 लाख फॉलोअर्स हो गए हैं ट्विटर पे। इसी तरीके से टेलीग्राम के भी यूजर्स इनके बढ़े हैं डेफिनेटली, तो यहां पे एडॉप्शन बढ़ गया है इस एक्सचेंज का, और एक्सचेंज का टोकन अगर सही से काम करता है तो वो वही रिटर्न दे सकता है जो बाइनेंस का कॉइन हमें दिया है पिछले कई सालों में। डेवलपर्स ऑब्वियसली, क्योंकि एक्सचेंज है यहाँ पे, अभी इसके डिटेल्स यहाँ पे अपडेटेड नहीं है, बट जो मैंने इनके कम्युनिटी के बारे में पढ़ा है वो काफी अच्छा पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ दिखता है मुझे। एनालिसिस क्या कहता है, अभी यहां के हिसाब से कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो भी नेटवर्क ग्रोथ है या ट्रांजेक्शन लेटेस्ट बता रहा है वो कुछ नहीं दिखा रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि अभी जो इसका लिस्टेड नंबर है वो है 36 नंबर, तो FTT इसका सिंबल है, तो क्या इस टोकन में पोटेंशियल है एंट्री लेने की, तो मेरे हिसाब से हाँ है। लेकिन क्या आपको क्या लगता है आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अगर आपको कोई डॉट्स है तो वो भी आप लिखिएगा। इस वीडियो सीरीज में सारे वीडियोस को कॉम्पैक्ट बनाने के लिए मुझे सीधा चलना होगा आप चार्ट पे, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और सीधा चलूंगा वीकली चार्ट पे, FTT BTC चार्ट। यहां पे इस वक्त जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं उसी वक्त ये ब्रेकआउट हो चुका है, मैंने सुबह आप लोगों को बताया था, ऑल दो मैंने कहा था कि ये पहला कॉइन होगा जिसका मैं जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, अनफॉर्चुनेटली जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस वक्त ये स्पाइक ले चुका है 5% का। इसी वक्त अगर मैं आपको दिखाऊंगा 5 मिनट्स के चार्ट, तो जस्ट मैंने वीडियो बनाना शुरू किया बैक टू बैक ये स्टार्ट हो चुका है। तो यहां पे प्लानिंग मेरी सुबह से थी और मैंने आपको रेंज भी बताया था पिछले 2-4 दिन से, पिछले 1 हफ्ते से मैं कई बार बता रहा हूं, बट क्या हमें एंट्री लेना चाहिए, स्पेशली अभी ये इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट लेवल कहां पे है, रेजिस्टेंस इसका कहां पे मिलेगा, यहीं पे 0.009 के आसपास, यानी कि इसके नीचे आपको एंट्री ले लेना है अगर आप कंसीडर करना चाहते हो अच्छा खासा रिटर्न। क्यों मैं बोल रहा हूं, वीकली चार्ट पे क्विकली से लेके चलूंगा फिर से, और वीकली चार्ट पे आपको दिखेगा कि गाइज यहां पे आपको 21 EMA रेजिस्टेंस अभी देगा, इसी रेंज में देगा, हम भले ऊपर चले जाएं हमारे वीकली क्लोजर या तो इसके ऊपर होगा या ठीक लाइन के नीचे हो सकता है, तो इसके ऊपर जिस रेंज में हमें इसके ऊपर एंट्री मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। ये बात मैंने आप लोगों को 2-3 वीक पहले भी टेलीग्राम पे अपडेट दिया था, अगर आपने एंट्री लिया होगा तो डेफिनेटली आपको रिटर्न मिल रहा होगा, बट क्या हमें एंट्री लेना चाहिए, स्पेशली जब अभी इस वक्त इस हफ्ते हमें 8% का गेन मिला है, तो ये परसेंटेज कुछ भी नहीं है। जो मैं स्पाइक देख रहा हूं यहां पे, जिस हिसाब का पोटेंशियल है, जिस हिसाब का ऑल्ट कॉइन है, जिस हिसाब का प्रोजेक्ट है, जिस हिसाब का एक्सचेंज है, जिस प्रकार का सर्विस ये प्रोवाइड कर रहा है, इसका पोटेंशियल काफी ज्यादा है। एटलीस्ट 3 फिगर में ये जरूर जाता हुआ दिखेगा आपको, यानी कि $100 के ऊपर जाता हुआ दिखेगा डॉलर के चार्ट पे, उसकी बात मैं बाद में करूंगा, क्योंकि यहां पे हमारा ऑल्ट कॉइन का मिनी सीजन आ रहा है, यानी कि मिनी इस ऑल्ट सीजन में हमें BTC पेयर पे अगर फोकस करना है, अगर आपको नहीं पता क्यों करना चाहिए BTC पेयर में तो जरूर आप बेसिक ट्रेडिंग के वीडियोस देखो, अगर आपको डॉलर में करना है तो वो भी मैं आपको चार्ट में जरूर बताऊंगा। लेकिन यहां पे टारगेट्स क्या बनते हैं, क्योंकि अभी अभी जस्ट इसी वक्त 5% का स्पाइक देखने को मिल गया, तो यहां पे आप देखोगे ऑलमोस्ट पूरे साल ये बुलिश रहा है, अभी रिसेंटली सितंबर के बाद ये थोड़ा सा डाउनफॉल गया, अभी कंसोलिडेट होगा, डेफिनेटली जिस रेंज में हम हैं वहां पे हमें रेजिस्टेंस मिलेगा, आपको कोई फोमो में आके नहीं लेना है, याद रखना आपको प्राइस रेंज में अभी बताऊंगा 1 आवर के चार्ट पे, 4 आवर के चार्ट पे, उस रेंज में आप टारगेट कर सकते हो, बट वीकली चार्ट पे सकुष्टिका रेसाई ऊपर जा रहा है, यानी 20 के अबव इस वीक का क्लोजर अगर हम जिस लेवल पे इसके ऊपर हो जाता है अराउंड जिस लेवल पे है उस लेवल पे भी हो जाता है बहुत अच्छा माना जाएगा, अदरवाइज यहां पे 2 वीक यानी कि ये वीक पूरा और अगला वीक भी हमारा साइडवेज एक्शन रह सकता है। साइडवेज एक्शन कहने का मतलब है इसी रेंज में, जिस रेंज में हम प्राइस देख रहे हैं इसी रेंज में रह सकता है। वर्स्ट केस में क्या हो सकता है वो भी मैं बता देता हूं, वर्स्ट केस में मैं आपको लेके चलूंगा वनडे के चार्ट पे, वर्स्ट केस में आपको पॉसिबल है कि इस लेवल पे 0.0087 के आसपास आपको रीटेस्ट करता हुआ दिखेगा अभी भी, तो इस रेंज में आप जरूर री एंट्री प्लान कर सकते हो। ऑल्दो अगर आपको कंफर्मेशन दिखता है इस चार्ट के ऊपर बैक टू बैक क्लोजर बैक टू बैक दिखता है तो आप जरूर
जरूर एंट्री 0.00091 के आसपास भी ले सकते हो, अच्छा खासा एंट्री कहा जाएगा जिस हिसाब का गेन इसमें आने वाला है अगले 4 से 8 हफ्तों में। स्पेशली ये लास्ट रेजिस्टेंस है, इतना आसान नहीं होगा, यहाँ पे हमें 2-4 दिन स्ट्रगल करता हुआ कम से कम देखना चाहिए। लेट्स सी अनलेस एंटिल कोई पॉजिटिव सेंटिमेंट आ जाए या पॉजिटिव न्यूज आ जाए। वीकली चार्ट पे और क्या क्या अपडेट पॉसिबल है यहाँ पे वो मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पे आपको दिखेगा ग्रीन लाइन और रेड लाइन में डाइवर्जेंस क्रिएट होता हुआ, और यहाँ पे ये व्हाइट लाइन में मोमेंटम अभी भी बना हुआ है। ऑल दो ये मोमेंटम जैसे ही अपसाइड जाएगा बहुत तेजी से प्राइस रेंज अपसाइड की तरफ दिखेगा आपको, जितना कंसोलिडेट होना था मार्केट को वो हो चुका है। मैकडी हमारा अबाउट टू कन्वर्ट इन ग्रीन पॉसिबल है, यानी कि अगले 2 से 3 हफ्तों में ये रेड से ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा, और ऐसा तब होगा जब प्राइस रेंज ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे अभी भी मैं कहूंगा पैनिक एंट्री मत लो, कभी भी आप फोमो में जाके बाय मत करो। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ऑल दो मैं 4 हफ्तों से इसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ, बट ये वीडियो जिस वक्त सूट हो रहा है उसी वक्त ये पंप हुआ है, तो आपको अभी लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो जिस रेंज में मैंने आपको कहा है। ऑल दो जिस हिसाब से वीकली चार्ट पे हमारा ये चार्ट कहता है वो कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है मुझे, तो यानी कि अगला 1 से 2 वीक प्राइस कंसोलिडेट होगा, इसी रेंज में होगा, इसी जोन में होगा, तो आपको री एंट्री का मौका मिलेगा, डोंट वरी। और कहां तक जा सकता है RSI आप मान के चलो, यहां से अगर ये अपसाइड जाता है तो वर्स्ट केस सिनेरियो क्या प्ले आउट होता है वो भी मैं आपको एडवांस में बता देता हूं। वीकली चार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस जोन होगा इसके लिए वीकली चार्ट पे वो होगा लगभग 60 का RSI अगर ये क्रॉस कर जाता है तो हमें बहुत हाई लेवल ऑफ इंक्रीमेंट दिखेगा, अदरवाइज यहां पे हो सकता है एक वापस से रिट्रेसमेंट आ जाए। ये वीकली चार्ट पे मैं अभी आपको बता रहा हूं, तो ये प्राइस रेंज जरूर अपसाइड ब्रेक होगा, न्यू ऑल टाइम हाई बना देगा, और उसके बाद वापस से कंसोलिडेट होता हुआ दिख सकता है इस रेंज में, अगर प्राइस वापस से RSI आपको रिकंसिडर दिखता है होते हुए। तो यहां पे सकुष्टिक RSI जिस हिसाब से दिखा रहा है उस हिसाब से मैंने आपको कहा 4 से 8 हफ्ते सेफ दिख रहे हैं, मोमेंटम आने वाला है, अभी साइडवेज एक्शन में है। वन डे के चार्ट पे ऑल्दो हमें आज मोमेंटम दिख गया, पिछले 2-3 दिन में मोमेंटम दिख गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये अभी ब्रेकआउट हो गया है, ऑलमोस्ट कह सकते हो कि ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। ये लास्ट लाइन ऑफ रेजिस्टेंस है, ये अगर ब्रेक करता है तो प्राइस रेंज कहां जाएगा, सबसे पहले इसके लिए हमें देखना होगा कि अभी जो रिसेंटली हमें पीक देखने को मिला था यहां से ऊपर तक उसका कौन सा लेवल हमने रीटेस्ट कर लिया, वो कर लिया गोल्डन रेशियो रीटेस्ट कर लिया बैक टू बैक 3 टाइम्स, बाउंस बैक दिखा रहे हैं, तो ये एक इंडिकेशन है कि हम फ्रेश एंट्री ले सकते हैं अगर आप कंसिडर करना चाहते हो, क्योंकि ये मार्केट काफी ज्यादा बॉटम अप हो चुका है, तो यहां ऊपर जाने के संकेत ज्यादा है rather than नीचे जाने के, पहली बात। दूसरी बात, सकुष्टिक RSI ऊपर और ऊपर वन डे के चार्ट पे जाता हुआ दिख रहा है, यानी कि अगले 4-5 दिन 7 दिन भी अच्छा करता हुआ दिख सकता है कंसोलिडेशन के अलावा भी। और यहां पे RSI जो है ऑब्वियसली ये जो मैंने अभी चार्ट ड्रॉ किया ये वीकली लेवल पे चार्ट है, और ये जो अभी ड्रॉन हो रहा है यानी कि ये जो अभी व्हाइट लाइन दिख रहा है इसको आपको नेग्लेक्ट करना है इन शॉर्ट आवर्स में। डेफिनेटली मैं इसकी सेटिंग चेंज कर दूंगा सो दैट मैं टीए वीडियो में जब अपडेट करूं तो ये आपको आवरली चार्ट पे या फिर डेली चार्ट पे ना दिखे लाइन, बट आपको देखना है 70 RSI कब तक रहता है, यानी 70 से लेकर 90 के बीच में जितना लंबा टाइम खींचेगा उतनी जल्दी हमें अपसाइड जाता हुआ दिखेगा। सपोर्ट जोन हमने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है, ऑल टाइम हाई से हम ऑलमोस्ट अभी भी अगर मैं कंपैरिजन करूं तो लगभग 50% डाउन है, यानी कि सीधा यहां पे 100% का गेन आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन प्राइस रेंज कैसे बिहेव करेगा उसकी बात मैं कर लेता हूं। अभी जिस हिसाब से प्लान आउट हो रहा है सबसे मेजर रेजिस्टेंस जहां पे हम हैं वहीं पे मिलेगा, उसके बाद हमें मिलता हुआ दिखेगा लगभग 0.0010 के आसपास, एंड उसके बाद हमें मेजर रेजिस्टेंस जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा 0.0011 के आसपास। ये लेवल ब्रेक करता है तो गोल्डन रेशियो हमें कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस देगा जो कि है 0.0014, एंड अगर ये लेवल ब्रेक होता है और RSI हमारा 60 के अबव वीकली चार्ट पे क्लोजर ले लेता है इस ड्यूरेशन तक, तो हमें मेजर रेजिस्टेंस यहां पे प्ले आउट होता हुआ नहीं दिखेगा, रादर देन हम अपसाइड चले जाएंगे, और अपसाइड अगर जाते हैं तो हम न्यू ऑल टाइम हाई बना सकते हैं और वो लेवल हो सकता है 0.0024। ये सब होता हुआ दिख सकता है आपको 4 से 8 हफ्तों में, क्या यहां से एक्सटेंड हो सकता है फर्दर भी, उसके आगे भी कोई मोमेंटम बन सकता है, मार्च में या अप्रैल तक भी जा सकता है, तो यस पॉसिबिलिटीज हमेशा रहती है मार्केट में, क्योंकि मार्केट को कभी टाइम मत करो, एक अप्रोप्रिएट एक अप्रॉक्स फिगर लेके चलो, उस हिसाब से प्लान करो अपना इन्वेस्टमेंट, उस हिसाब से प्लान करो अपना ट्रेडिंग, और उसके ऊपर बिहेव करो जिस हिसाब से मार्केट बिहेव करता है। एंड डेफिनेटली अगर यहां से परसेंटेज वाइज गेन की बात करूं, जहां पे अभी हम हैं सुबह से अभी तक 8% का गेन हुआ, अगर जहां से अभी तक हम हैं वहां पे अगर प्रॉपर्ली जाता है तो कम से कम हमें 55% का गेन तो जरूर देखने को मिलेगा, 55% का गेन देखने को मिलेगा, और अगर ये ऑल टाइम हाई न्यू क्रिएट करता है तो लगभग 150% से ऊपर का गेन मिलेगा, यानी कि 2.5 गुना के अराउंड में आपको करता हुआ दिखेगा, और ये मिनिमम टारगेट्स हैं जो कि आने वाले 4 से 8 हफ्तों में जा सकता है। इसके लिए क्या कंडीशन है वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए कंडीशन है कि हमारा
डोमिनेंस चार्ट जो कि इस वक्त हमारा ब्रेक करता हुआ दिख रहा है 39 के टुवर्ड्स बढ़ता दिख रहा है, ये हमें जरूर जो है टुवर्ड्स 30 के तरफ जाता हुआ दिखना चाहिए। ये अगर बाउंस बैक लेता है तो मैंने जो लेवल बताया उन लेवल्स के आसपास आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो। अगर आप अपने रिस्क को बढ़ाना नहीं चाहते हो, प्रॉफिट बुक करना चाहते हो, इट्स योर कॉल। लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि कैसे ये सब किया जाता है तो मैं रिकमेंड करूंगा कुछ बेसिक ट्यूटोरियल्स जरूर यूट्यूब पे देख लीजिए जहां पे स्टॉप लॉस सिखाया जा रहा हो आपको कि कैसे लगाया जाता है। और दूसरी बात, जो लेवल मैंने आपको बताया उसके ठीक नीचे आपको लगाना है और विद टाइम जैसे जैसे ऊपर जाता मार्केट वैसे वैसे स्टॉप लॉस ऊपर आप पुश कर सकते हो। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये कॉइन वन ऑफ द ऑल्ट कॉइन है जो शायद अच्छा करेगा आने वाले 2-3 सालों तक लगातार जैसे बाइनेंस ने किया। इस बीच में क्या मोमेंटम डाउन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर मार्केट डाउन जाएगा तो ये भी जाएगा, लेकिन उतना मेजर नहीं जाएगा। ये वन ऑफ द जेम्स कॉइन हो सकता है आने वाले ईयर्स के लिए, और हो सकता है बाइनेंस को बहुत ज्यादा तेजी से टक्कर दे आने वाले 1-2 साल में। तो पॉसिबिलिटीज बनी हुई है क्योंकि जिस हिसाब की सर्विसेज मैंने आपको बताया प्रोवाइड कर रही है वो कोई यूनिक नहीं है, लेकिन वो सर्विसेज उसी लेवल पे, उसी ब्रांड लेवल पे, उसी मैक्रो लेवल पे दे रही है जिस लेवल पे बाइनेंस दे रही है। ऑल्दो अभी अडॉप्शन वाइज काफी नीचे है। अगर मैं टॉप एक्सचेंजेस की बात करूं तो अभी बाइनेंस जो है आप देखोगे स्पॉट में नंबर 1 पे है, वहीं आपका FTX आपको 7 नंबर पे दिख रहा है। तो यहां पे बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है, स्कोप बहुत ज्यादा है, मार्केट कैप भी उसके कंपैरिजन में कम है। और आप देखोगे डेरिवेटिव मार्केट में, तो डेरिवेटिव मार्केट में सेकंड नंबर का पोजीशन होल्ड कर लिया, बाइबिट को भी पीछे छोड़ दिया है। तो कुछ तो ऐसी बात है जो इसको तेजी से आगे ले जा रहा है। तो इस बात को समझो और इसके क्वाइन की कीमत आने वाले टाइम में बढ़ जाएगा। डॉलर की चार्ट की बात अब मैं करूंगा कि डॉलर के चार्ट के हिसाब से क्या हो सकता है। मैंने आपको बता दिया रेंज कि कहां पे प्राइस एंट्री ले सकते हो। 4 आवर के चार्ट पे भी मैं आपको बता देता हूं। इनफैक्ट अगर आप शॉर्ट टर्म में डील कर रहे हो और आप अगर एंट्रीज प्लान कर रहे हो तो मैं कहूंगा इस स्पाइक के साथ आप एंट्री मत लेना। इस स्पाइक में आपको थोड़ा बहुत जो है फर्दर करेक्शन देखने को मिल सकता है अगले नेक्स्ट 24-48 आवर्स में। तो एटलीस्ट इस ईएमआई लाइन को जैसे जैसे ईएमआई लाइन ऊपर जाएगा उस लाइन के आसपास आप प्लान कर सकते हो। मैं कहूंगा 0.0089 या उसके बिलो ही आप प्लान करना, उससे ऊपर प्लान मत करना अभी। अदरवाइज वेट कर लो क्योंकि इसको रेजिस्टेंस मिलेगा फर्दर, इस लेवल को रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है। और अगर आपने पहले से एंट्री लिया है तो आपको मुबारक हो क्योंकि ऑलरेडी आपको 8% से ज्यादा आज की डेट में ही आपको अच्छा खासा गेन मिल गया। अब मैं बात कर देता हूं FTT USD चार्ट। FTT USD का चार्ट क्या कहता है इसके ऊपर भी आ जाते हैं। देखो USD का चार्ट अगर मैं वीकली चार्ट पे लेके चलूं आपको तो क्लियर कट आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कंसोलिडेट होता हुआ मार्केट। और मैंने यहां पे एक कंडीशन बताना चाहूंगा कि देखो डोमिनेंस चार्ट जैसे ही नीचे जाएगा BTC पेयर में बढ़ना शुरू हो जाएगा। डॉलर के बेस पे ज्यादा कब बढ़ेगा? तब बढ़ेगा जब बिटकॉइन का प्राइस भी उसी हिसाब से बढ़ेगा तभी। अगर बिटकॉइन का प्राइस नीचे जाता है तो डॉलर के चार्ट पे आपको उतना ज्यादा गेन ना देखने को मिले, लेकिन फिर भी डॉलर के चार्ट पे टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है वो मैं आपको जरूर बता देता हूं। यहां पे भी मार्केट कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है वीकली चार्ट पे। अभी मैंने कहा 2 हफ्ते हो सकता है कि कंसोलिडेट करे, 20 के अबव जैसे ही आएगा वैसे ही ये भी बुलिश हो जाएगा। और यहां पे आपको दिख रहा है अभी भी फर्दर नीचे जाता हुआ, इसीलिए मैं कह रहा हूं यूएसडी के पेयर में शायद उतना ज्यादा आपको ना देखने को मिले बूम अगर इस मिनी ऑल सीजन के ड्यूरेशन में बिटकॉइन कुछ खास नहीं कर पाता है तो। बाकी अगर मैं वन डे के चार्ट पे देखूं तो यहां पे मोमेंटम देखूं तो यस ये रीट्राई करेगा, जैसे बिटकॉइन डाउन ट्रेंड में है उसी तरीके से FTT भी दिख रहा है, बाकी के सारे ऑल्टकॉइन इसी तरीके से आपको दिख रहे होंगे। तो अभी अगर बिटकॉइन ऊपर जाता है तो डॉलर में ये भी अच्छा करेगा, एंड डेफिनेटली क्योंकि FTT का चार्ट BTC के ऊपर बढ़ेगा तो USD पे या तो होल्ड करेगा या फिर अपसाइड जाएगा, ज्यादा डाउनफॉल देखने को नहीं मिलेगा। फर्दर अगर मैं देखूं यहां पे कि क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है तो यहां पे आप देखोगे इस पैटर्न में ये कंटिन्यूअसली चल रहा है, और जिस हिसाब से ये चल रहा है कुछ हम इस लेवल को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। और अगर ये इसी तरीके से चला तो हो सकता है ये माइनर लेवल हो, यानी कि ये सपोर्ट लाइन की तरह बिहेव करे, और अगर ऐसा कुछ होता है तो यस मार्केट जो है फर्दर ऊपर जा सकता है। ऑल्दो अभी कहना थोड़ा सा जल्दबाजी है, लेकिन यहां पे आपको कंसोलिडेट होता हुआ दिखेगा। और यहां से जिस रेंज में अभी हम हैं सुबह तक ये $38 के आसपास था, बट अभी $43 के आसपास है, तो यहां पे अगर जिस रेंज में हम हैं यहां से आपको जरूर मार्केट $74-75 जाता हुआ दिखेगा। और अगर बिटकॉइन इस बीच में अच्छा परफॉर्म करता है तो जरूर ये इस लेवल को भी ब्रेक करता हुआ दिखेगा। और अगर ये ब्रेक करता है तो क्या प्राइस रेंज होगा, तो उसके लिए इस चार्ट को ब्रेकआउट करना होगा ऊपर की तरफ। और अगर ऊपर का मैं टारगेट देखूं तो ऊपर का टारगेट बनता है जहां से भी ब्रेक करेगा उस जगह से, तो वहां से ऑलमोस्ट $115 के आसपास दिख रहा है मुझे। लेकिन ये प्राइस रेंज जो है, ये जो रेंज है वो लगभग अप्रैल और मई तक भी दिखा रहा है। तो डेफिनेटली डॉलर में आप जब यहां पे एंट्री लोगे तो आपको गेन जरूर देखने को मिलेगा, बट आपको देखना है 21 EMA जो कि अराउंड $50 के आसपास है। $50 जब ये क्रॉस करेगा तभी ये अपसाइड फर्दर जाएगा, यहां पे ये स्ट्रगल करेगा एंड साइडवेज एक्शन दिखा सकता है। लेकिन एक बार जैसे मैंने आपको BTC के चार्ट पे बताया है कि ये बुलिश हो जाता है, और उस सिनेरियो में अगर बिटकॉइन अपने प्राइस को अच्छा खासा मोमेंटम दिखाता है तो डॉलर का चार्ट जरूर ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट होता हुआ दिखेगा। तो आपकी अगर थिंकिंग डॉलर में है तो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है यहां पे एंट्रीज लेने का, लेकिन अगर बिटकॉइन 45,000 के लेवल ब्रेक करता तो ये फर्दर आपको डाउनफॉल दिखाएगा नीचे की तरफ डॉलर के टर्म में, और फर्दर एंट्री लेने का आपको पोजीशन लेने का एक बेटर रेट मिल सकता है। लेकिन BTC के टर्म में
सिंपल कंडीशन है, डोमिनेंस चार्ट इस लेवल के ऊपर ज्यादा नहीं जाना चाहिए। और डेफिनेटली जो है जिस हिसाब से पैटर्न प्ले आउट हो रहा है ये आने वाले डेज में आपको, मैंने आपको जो लेवल बताया है कम से कम उतना रिटर्न देता हुआ दिखेगा। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल कम से कम, यहाँ पे जरूर एंट्री में फिर से याद दिलाना चाहूंगा, फोमो में मत लेना, लेवल्स का इंतजार करो या फिर ब्रेकआउट का इंतजार करो। ब्रेकआउट इसको इतना आसानी से नहीं मिलेगा, डेली का क्लोजर अगर इसके ऊपर मिलता है तो अगले दिन वेट कर लो, हो सकता है रीटेस्ट करने के बाद फिर फर्दर अगर बढ़ने लगे तब जरूर आप प्लान कर सकते हो कि यहाँ पे हमें एंट्री ले लेना चाहिए। अदरवाइज यहां से जो मैंने आपको लेवल बताया कम से कम 50% से 150% का गेन देता हुआ दिख सकता है अगले 4 से 8 हफ्तों में FTT टोकन। और अगर ये फर्दर बुल रन में फर्दर कोई इवेंट ऐसा होता है जो कि एक्सटेंड होता हुआ दिखता है या फिर बेटर परफॉर्म करता है तो इसका इंपैक्ट इस पे भी पड़ेगा। फिलहाल ये कंसोलिडेट हो रहा है, मेरे हिसाब से 1 वीक और इसी रेंज में चलना चाहिए इसको, यानी कि जिस रेंज में हम हैं उसी रेंज के आसपास रीटेस्ट करेंगे प्राइस को 1 से 2 वीक एंड फिर जाके हम इस कंसोलिडेशन जोन से शायद बाहर आ पाए। ऑल्दो जिस हिसाब से पैटर्न प्ले आउट हो रहा है आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे बुलिश मोमेंटम होने के ज्यादा चांसेस हैं, और जैसे ही डोमिनेंस चार्ट टुवर्ड्स 30 बढ़ता है तो ये आपको न्यू ऑल टाइम हाई देता हुआ जरूर दिखेगा। तो आप अपने हिसाब से प्लान करो। और अगर आप मेरे से पूछते हो कि कितना परसेंट फंड पे आपको खेलना चाहिए इस कॉइन में, तो पहली बात फंडामेंटली स्ट्रांग कॉइन है, फंडामेंटली स्ट्रांग होने के साथ साथ ये एक्सचेंज का कॉइन है, जब भी एक्सचेंज पे कुछ मेजर इवेंट्स होंगे तो इसका प्राइस भी बढ़ेगा। तो ये लॉन्ग टर्म में आप जैसे BNB में बन सकते हो वैसे इसमें भी बन सकते हो। ऑल्दो मैं आपको कहूंगा कि अभी जिस हिसाब से बुलरन स्ट्रेच हुआ है बिटकॉइन का पीक जरूर आएगा, तो यहां पे हमें बिटकॉइन बढ़ाने पे फोकस करना है। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है, FTT टोकन सेफ है लॉन्ग टर्म के लिए भी, मिड टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी। ट्रेडिंग करते हो तो अपना कॉल जरूर लीजिएगा अपने लर्निंग के बेस पे, अगर सीखे नहीं हो तो पहले सीखो फिर आप ट्रेडिंग करो, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दो। एंड अगर मेरे से फंड की बात कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जाके बेसिक ट्रेडिंग फंडामेंटल का जो प्लेलिस्ट है उसके वीडियो जरूर देख लीजिए कि कैसे मैं कहता हूं। शॉर्ट में बता देता हूं कि कम से कम जो भी मान लो आपके पास 100% फंड है, 100% फंड को 10 पार्ट में डिवाइड कर दो, मात्र 10% या उससे कम जो है आपको इन्वेस्ट करना चाहिए किसी एक ऑल्टकॉइन में, चाहे वो कितना ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही अच्छा ऑल्टकॉइन क्यों ना हो, आपको 10% से ज्यादा फंड नहीं एलोकेट करना है, सो दैट आपका रिस्क और रिवार्ड मेंटेन रहे डिफरेंट कॉइन के बीच में। ये था इस सीरीज का पहला वीडियो, होपफुली आने वाले 4 से 8 हफ्तों में अच्छा खासा गेन देता हुआ दिखेगा। आने वाले जो नेक्स्ट वीडियोस हैं उसमें मैं बात करूंगा कुछ अलग ऑल्टकॉइंस की, और कुछ जो एग्जिस्टिंग ऑल्टकॉइन जो मैंने पहले भी बता रखे हैं उनके बारे में भी बात करूंगा। लेकिन आज का ये पहला वीडियो आपको कैसा लगा, FTT टोकन के बारे में आपकी क्या राय है, कैसा आप सोचते हो इसके बारे में, ये कैसा कर सकता है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पे डेली सुबह लाइव TA वीडियो होता है जिसमें मैं आपके लाइव क्वेरीज भी लेता हूं। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो जरूर सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना। बाकी कोर्स के लिए academy.cryptoinsider.ta.com को विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस स्पेशल सेगमेंट के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।